हाय एवरीवन, मैं हूँ उषमा और आज की जो रिक्रूटमेंट है वो वेवे की तरफ से है। कस्टमर सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव का ये जॉब रोल है। 100% रिमोट ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी सैलरी $8,000 से $10,000। ये बहुत एक्साइटिंग सैलरी पैकेज है जो कि अप्रॉक्सीमेटली मंथली 50,000 पर मंथ से 68,000 पर मंथ तक रह सकती है। फ्रेशर्स, एक्सपीरियंस, ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट सभी एलिजिबल हैं। इसलिए एंड तक हमारे साथ बने रहना और अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको इसी तरह की एक्साइटिंग वर्क फ्रॉम होम अपडेट्स जो है वो मिलती रहे और आप इसी तरह इसमें अप्लाई करके सेलेक्ट होते रहें। देखिए यहाँ पे यहाँ मेंशन है कि वेवे की तरफ से यहाँ पे जॉब रोल है और 100% रिमोट ऑर्गेनाइजेशन है और हो सकता है यहाँ किसी को भरोसा ना हो रहा हो, लेकिन ये सैलरी रेंज यहाँ मेंशन है कि जो एनुअल सैलरी पैकेज रहने वाला है वो $8,000 से $10,000 एनुअली, और जो कि मंथली अगर हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो 50,000 पर मंथ से 68,000 पर मंथ तक रहने वाली है। तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए ताकि वो भी इस जॉब रोल के लिए अप्लाई कर सकें। तो कस्टमर सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव का जॉब रोल है और अगर आपका टेक्निकल बैकग्राउंड है तो ये आपके लिए एक एडवांटेज की तरह काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो एसेंशियल ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में अगर हम चेक करें तो कस्टमर्स के तो आपको हेल्प करनी है, लेकिन अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि टेक्निकल कस्टमर सर्विस और एज अ टेक्निकल राइटर की रिक्वायरमेंट है। ये स्किल्स यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं अगर आपकी प्रोफिशियंसी जेंडेक्स, जीरा, गिटहब, APIs, Salesforce जैसे सॉफ्टवेयर्स में है तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे आप अपने रेज्यूमे में अपडेट ज़रूर करिएगा। आपने कभी ना कभी, अगर आपने प्रायर एक्सपीरियंस है तो आपने कभी ना कभी इन सॉफ्टवेयर, इन टूल्स का आपने यूज़ ज़रूर किया होगा, इन पे वर्क ज़रूर किया होगा आपने। साथ ही साथ कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए और टीम मैनेजमेंट होना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने कुछ चीज़ें मेंशन की हैं जो कि मैंडेटरी है, और जैसे कस्टमर सपोर्ट का जो जॉब रोल होता है वो बेसिकली कस्टमर्स की क्वेरी को रिजॉल्व करना होता है रियल टाइम बेसिस पे, और इन्होंने ट्रेनिंग तो देंगे साथ ही साथ रिटन और वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। जो भी आप कस्टमर्स की जो भी बात हो रही है वहाँ आपको प्रॉपर इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन करना होगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द जॉब रोल। यहाँ इन्होंने रिक्वायरमेंट यहाँ रखी है, इन चारों में से पांचों में से अगर आपको किसी एक का भी अगर यहाँ पे कुछ भी अगर आपने कहीं पे काम किया होगा इन सॉफ्टवेयर्स पे तो ये ज़रूर मेंशन करिएगा ताकि आपके रिवर्ट आने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएं। सैलरी रेंज यहाँ पे मेंशन की गई है बेस्ड इन इंडिया PST बिजनेस आवर्स। सो जो पेसिफिक स्टैंडर्ड टाइम होता है वो 7 AM से 11 PM तक होता है, तो आपकी जो शिफ्ट टाइमिंग्स होगी वो इसी के बीच में रहने वाली है। दिस इज ऑल अबाउट दिस जॉब रोल। अब यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है हम वो बात कर लेते हैं। यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन है जो कि सेम इस पेज पे आपको डायरेक्ट कर देगा। अगर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है यहाँ आप फिल कर सकते हैं। रेज्यूमे यहाँ पे आप अटैच कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है रेज्यूमे तो ये बेनिफिट है कि यहाँ पे आप मैनुअली भी एंटर कर सकते हैं, बट आई सजेस्ट कि मैनुअली एंटर करने से अच्छा आप एक बार रेज्यूमे बना लें, यहाँ पे अपलोड कर लें। कवर लेटर, आपसे रिक्वेस्ट है कि कवर लेटर ज़रूर डालें और ब्लैंक इस तरह ना आप जो है वो सबमिट करें, कवर लेटर ज़रूर डालें और कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको कवर लेटर चाहिए तो हम आपको वो भी यहाँ प्रोवाइड करा देंगे। आप contact.essentialjobs@gmail.com पर आप हमें मेल कर सकते हैं कवर लेटर्स के लिए, और इसमें भी कुछ और भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, अगर आपको इन सब के आंसर चाहिए तो आप हमें मेल कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में भी आप प्लीज़ बता दीजिए ताकि हम आपको ऑन टाइम पे ये चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करा सकें। अभी इसमें डिसिप्लिन देखते हैं। अगर सबसे पहले यहाँ पे किस आपने अगर हाई स्कूल की एसोसिएट डिग्री है कोई, बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री, MBA कर रहे हैं या फिर PhD कर रहे हैं, कोई इंजीनियर्स डिग्री है तो यहाँ पे आप वो मेंशन कर सकते हैं। आप आपका जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है वो यहाँ पे मेंशन करिएगा। डिसिप्लिन में यहाँ पे बहुत सारे डिसिप्लिन यहाँ पे अवेलेबल हैं, अकाउंटिंग, अफ्रीकन स्टडीज़, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, आर्किटेक्चर, आर्ट, एशियन स्टडीज़, बायोलॉजी। तो यहाँ पे आप देखिएगा बहुत सारे आप यहाँ पे डिसिप्लिन्स हैं। आप यहाँ पे जो जिस डिसिप्लिन में आपका ग्रेजुएशन हुआ, पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ, मास्टर्स हो रहा है, बिजनेस मैनेजमेंट में कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रीम है तो यहाँ पे वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कब ख़त्म हुई यहाँ पे वो मेंशन कर दीजिएगा, और अगर आपको और कोई एडिशनल अगर आपकी कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री होगी वो यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत अच्छी बात है, इसमें रिवर्ट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब कोई भी रिक्रूटर आपकी अगर लिंक्डइन प्रोफाइल देखता है और इसलिए वो अच्छी बनानी चाहिए, तो
उसमें भी लगता है कि हाँ जेन्युइन है कैंडिडेट्स और इन्हें रखना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप इतने शॉर्ट इनके जो फॉर्म्स होते हैं वो आप फिल नहीं कर पाते, तो आपकी जो लिंक्डइन प्रोफाइल है वो एक्सप्लोर करके एक बार चेक कर सकते हैं कि हाँ कैंडिडेट का इंटरेस्ट क्या है और कहाँ का आपका प्रायर एक्सपीरियंस है, तो अगर आपकी है तो ये अच्छी बात है, यहाँ पे आप अपलोड ज़रूर करिएगा। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या है, डिजायर्ड सैलरी रेंज आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है कि 8,000 से 10,000 USD एनुअली, तो आप अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 LPA तक यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा भी अगर आपका कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस जो आपका प्रीवियस वर्क रोल रहा कर उसमें जो सैलरी उसके हिसाब से भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, लेकिन हाँ इसी रेंज में आप मेंशन करिएगा क्योंकि ऑलरेडी इनकी जो एवरेज सैलरी है वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा रखी है। इसके बाद अगर आपको कोई भी यहाँ पे जेंडर यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, हिप्सानिक लैटिनो यहाँ पे नो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, बाकी जो डिजायर्ड सैलरी रेंज है यहाँ पे वो मेंशन कर दीजिएगा। अगर आपको इसका भी आंसर चाहिए कि टेल अस अबाउट व्हेन यू एक्सीडेड द एक्सपेक्टेशंस और वेंट अबव एंड बियॉन्ड, तो अगर आप ये बेसिकली ये क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपने जहाँ आपका प्रायर एक्सपीरियंस रहा जहाँ पहले काम करते थे अगर वहाँ से ऐसा कोई पार्टिसिपेशन हुआ है कुछ कोई स्मैश्ड कोटास है तो यहाँ पे वो मेंशन कर सकते हैं, कुछ ऐसा एप्रिसिएशन वाला अगर कोई चीज़ है या फिर कुछ ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन है जहाँ पे आपने जो इनिशिएट लिया है उस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए, कस्टमर्स की क्वेरी को रिजॉल्व करने के लिए, वो यहाँ पे मेंशन करना। आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, हम आपको इसका आंसर जो है वो प्रोवाइड करा देंगे और इसमें हम ज़रूर हेल्प करेंगे। बाकी यहाँ पे और कुछ भी नहीं है, वेटरन स्टेटस जो है यहाँ पे आप नॉट अ प्रोटेक्टेड वेटरन, अगर आप डिफेंस से हैं तो आप इसका मतलब जानते हैं, तो आप यहाँ पे जो है मेंशन कर दीजिएगा येस नो जैसा भी है, अगर नहीं करना चाहते तो आई डोंट नॉट विश टू आंसर यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल है। डिसेबिलिटी येस नो जैसा भी है आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, एंड नहीं बताना चाहते तो आई डोंट विश टू आंसर ये भी एक अवेलेबल है ऑप्शन है। तो ये बस दिस इज ऑल अबाउट हाउ यू अप्लाई ऑन दिस जॉब एप्लीकेशन। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल ताकि आपको कल जो है एक नई वर्क फ्रॉम होम अपडेट्स मिलती रहें। सबमिट यहाँ एप्लीकेशन करेंगे आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगा तुरंत ही, जिस ईमेल आईडी आपने यहाँ पे मेंशन किया है नो रिप्लाई के नाम से, आपको जो है एक ईमेल का इस जैसे आपने सबमिट किया तो सबमिशन का जो है आपको ईमेल मिल जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट विद द जॉब एप्लीकेशंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कल फिर मिलेंगे एक नई वर्क फ्रॉम होम अपडेट्स के साथ, तब तक प्लीज स्टे कनेक्टेड।